morning class again. So what will we do today? Today we will do question answer of this chapter. Chapter number 8, our country and festivals. सारी एक्सरसाइज की हो गई है. एक्सरसाइज नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग. आज मैं आपको समझा देती हूँ और इसके क्वेश्चन की जो पिक है वो मैं आपको सेंड करूँगी और उस पिक से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. पहले मैं आपको समझा देती हूँ. क्वेश्चन वन है, व्हाई इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड ट्राइकलर. व्हाई मीन्स क्यों. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है इस कॉल्ड ट्राइकलर. उसको ट्राइकलर क्यों कहा जाता है. ट्राइकलर, ट्राइकलर मीन्स तिरंगा. तो मीन्स तिरंगा मतलब थ्री कलर्स वाला, क्योंकि हमारा जो नेशनल फ्लैग है इट हैज थ्री बैंड ऑफ कलर्स, सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन. थ्री कलर्स होते हैं उसमें. सैफ्रन होता है टॉप पे, मिडिल में इसके व्हाइट होता है एंड बॉटम में इसके ग्रीन कलर होता है. तो थ्री बैंड होते हैं इसके कलर्स के, सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन. थ्री बैंड्स ऑफ कलर. आवर नेशनल फ्लैग हैज थ्री बैंड्स ऑफ कलर, सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन. सो इट इज कॉल्ड ट्राइकलर, इसीलिए इसको ट्राइकलर कहते हैं. समझ में आ गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कॉपी में करना है. सेकंड क्वेश्चन है इसका, हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम. मींस जो हमारा नेशनल एंथम है, कौन सा हमारा नेशनल एंथम. हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन. जन गण मन जो हम सुबह पहले जब स्कूल आते थे तो प्रेयर में सुबह हम नेशनल नेशनल एंथम गाते थे ना सब एक साथ मिलकर. तो वो हमारा नेशनल एंथम जो है वो हु कंपोज्ड, किसने उसको लिखा, किसने लिखा था उसको. उसको लिखने वाले थे गुरु रविंद्र नाथ टैगोर. गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज आवर नेशनल एंथम. ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको समझा दिए होंगे, समझा दिए. अब आपको ये समझ में आ गए होंगे. आज आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको ये दो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. समझ में आ गया. लर्न भी करना है. लर्न आपको हो गया होगा, हु कंपोज आवर नेशनल एंथम, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर. हु कंपोज आवर नेशनल एंथम, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज आवर नेशनल एंथम. द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड ट्राइकलर. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज बैंड ऑफ थ्री कलर्स. क्या नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज बैंड ऑफ थ्री कलर्स, सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन. सो इट इज कॉल्ड ट्राइकलर. ये दो क्वेश्चन आपको लर्न भी करने हैं और सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में भी करने हैं.